हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 29 जून 2024 को होने वाला है, और 29 जून को आप लोगों का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस 29 जून का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपका वीकली टेस्ट बहुत अच्छे से जाए, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आप लोगों से 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अल इद्रिसी एक भूगोलवेत्ता थे। पहला ऑप्शन है अरब, दूसरा कनाडा, तीसरा जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि अल इद्रिसी कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, अरब के, कनाडा के, जापान के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अरब के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है कहाँ जाता है? वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शिल्पकार, दूसरा मानचित्रकार, तीसरा वास्तुकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मानचित्रकार। जो मानचित्र बनाता है, जो नक्शा बनाता है, उसको मानचित्रकार कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, अल इद्रिसी का जन्म कहाँ हुआ था? अल इद्रिसी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा स्पेन, तीसरा भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्पेन में हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर, चार नंबर, छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिलिपि कौन बनाते थे? पहला ऑप्शन है नकल नबीस, दूसरा चित्रकार, तीसरा मानचित्रकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नकल नबीस, नकल नबीस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक था, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है तंदिदुर्ग, दूसरा गोपाल, तीसरा विजयालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोपाल। पाल वंश या पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला छठा नंबर का क्वेश्चन है, कौशलनाथ मंदिर, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, दूसरा प्रतिहार, तीसरा पालवंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रकूट ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर की ओर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा महेंद्रपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धर्मपाल ने कराई थी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर की ओर, 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने, दूसरा बाबर ने, तीसरा शेरशाह ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर, 9 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, बगीचा, पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मानव निर्मित है। पारितंत्र है लेकिन बगीचा को मानव बनाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा पौधे, तीसरा प्राणी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जल जैव तत्व नहीं है। जल यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, जीवित जीवित वस्तुओं को जैव कहते हैं, ठीक है? तो जल जैव नहीं है। देखिए 11 नंबर, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है, यानी कि जैव तत्व कौन सा है उसको बताने, किसमें जीवन है? पहला ऑप्शन है पहाड़, दूसरा मिट्टी, तीसरा पेड़ पौधा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अजैव नहीं है, यानी कि जैव है जीव जंतु और पेड़ पौधे में जान होता है, तो उसको हम लोग जैव कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, 12 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा बगीचा, तीसरा महासागर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक
पारितंत्र महासागर है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है जनता का शासन, दूसरा एक व्यक्ति का शासन, तीसरा सभी का शासन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। भारत में प्रजातंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अप्रत्यक्ष। भारत में प्रजातंत्र अप्रत्यक्ष है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा राजा, तीसरा व्यापारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनता। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर देखिए। किसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा जॉर्ज वाशिंगटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मार्टिन लूथर किंग ने, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिया, इसमें से आप लोगों को 10 एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आपका वीकली टेस्ट में फुल मार्क्स आ सके। अब लोग देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2nd नंबर की ओर। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3rd नंबर, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि पहला देखिए प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक, तीसरा मनुष्य की परस्पर क्रियाएं तथा उनकी गतिविधियां, ये सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो इसका उत्तर देखिए, दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो इसका उत्तर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 783 से 820 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की थी, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब छापेखाने नहीं थे या जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? तो इसका उत्तर देखिए, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। तो देखिए, जब छापाखाना नहीं होता था, जब प्रिंटर मशीन नहीं था, तब लोग पांडुलिपियों में पुस्तकें तैयार करते थे। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापेखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकलनवीस हाथ से बनाते थे, हाथ से पूरा किताब लिखा जाता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है?
तो इसका उत्तर देखिए, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की, तो इसी को नागरिक अधिकार कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, 9 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका उत्तर देखिए, यह एक लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क यानी कि 18 साल एवं इससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट यानी कि मत देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है, गरीब हो या किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखता हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोकतांत्रिक देश के लिए कौन सा तत्व अपरिहार्य है? सभी लोकतांत्रिक देश के लिए कौन सा तत्व अपरिहार्य है? तो इसका उत्तर देखिए, सभी लोकतांत्रिक देश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक अपरिहार्य तत्व है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा, यानी कि फुल मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।